मैं विनोद चौहान, मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज का हमारा संस्कृत टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला। आज हम संस्कृत की वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत एक भाषा है क्योंकि ये पहले देवताओं द्वारा बोली जाती है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत के ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत की संस्कृत वर्णमाला को समझने से पहले संस्कृत के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। संस्कृत के तीन मुनि हुए हैं जिन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। संस्कृत त्रिमुनि में सबसे पहले नाम आता है पाणिनि। दूसरा नाम आता है कात्यायन, जिन्हें को वर रुचि कहा जाता है। तीसरा नाम आता है पतंजलि। पाणिनि में भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव ने पाणिनि को तांडव नृत्य करते हुए जो डंकाम बाजी थी, जो डमरू बजाया उस डमरू की धुन को ही पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र एकत्रित कर लिए या संग्रहण कर दिया। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों पर पाणिनि की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी गई है, जो संस्कृत व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। तो पाणिनि का जन्म 2500 ईसा पूर्व वर्तमान पाकिस्तान की लाहौर, उस समय सलातुर में हुआ था। पाणिनि शुरू में अपने मंद बुद्धि वाले थे, उन्हें संस्कृत व्याकरण बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वे निराश थे। वे रास्ते में जब विद्यालय जा रहे थे तब उन्हें एक शिवालय दिखा। शिवालय में उन्होंने भगवान शिव से ये मांगा, हे भगवान शिव, मुझे संस्कृत वर्णमाला भी या संस्कृत व्याकरण बिल्कुल भी नहीं आती है, मुझे तीव्र बुद्धि वाला बनाओ। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के जो डमरू बजाया तांडव नृत्य करते समय, उसी डमरू की धुन को उन्होंने एकत्रित कर दिया और महेश्वर सूत्र प्रवर्तित किए। संस्कृत व्याकरण में सूत्रों की रचना पाणिनि ने की, जो पाणिनि को सूत्रकार है कहा जाता है। कात्यायन या वर रुचि ने वार्तिक लिखे, इन्हें क्या कहा जाता है, सूत्र कार, इन्होंने वार्तिक लिखे और इन्होंने महाभाष्य पाणिनि की प्रमुख पुस्तक उसी है अष्टा
अष्टाध्याय पाणिनि की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्याय है। पाणिनि ने जब सूत्रों की रचना की उन सूत्रों को समझना काफी कठिन था, इसलिए कात्यायन ने वार्तिक लिखे, भाषा को और सरल किया। उसके बाद पतंजलि ने महाभाष्य लिख करके संस्कृत भाषा को और सुबोध बना दिया। तो इन तीन मुनि को ही या त्रि मुनि को ही हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण। व्याकरण का अर्थ है जो व्याकरण का जानकार हो या ज्ञाता हो उनको ही व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण और व्याकरण में क्या अंतर हुआ, व्याकरण तो व्याकरण का विद्वान जानकार और व्याकरण ग्रामर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पाणिनि के अनुसार या पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि शिक्षा अनुसार संस्कृत वर्ण माला में कुल 63 या 64 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तब पुस्तक में ध्यान रखो कार्यो मवसान है, कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण कार्यो मा अवसान है, मतलब कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण के पांचों वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये आदि कितने हैं, 8 और मुझे ये रे ले वे स स स और है। इन्हें अपन अपनी भाषा में अंतस्थ कह सकते हैं और इनको पूछ रहे हैं। इसके बाद यम, यम किन्हें कहेंगे, यम है 4, जैसे कू खू घू और घू, इन्हें यम कहते हैं। इनकी विकल्प से, इन चारों वर्णों की विकल्प से यम संज्ञा होती है, इसलिए इनको यम कहते हैं। इसके बाद अनुस्वार, एक है कौन सा है, इसलिए फिर से लगाते हैं आपका नियम। छठा आता है विसर्ग, विसर्ग में ये भी एक है, यह मूली जीवा मूलिय
होगी ये। अब जीवामूली क्या होता है? कैसे पहले अर्ध विसर्ग को उसे जीवामूली कहते हैं। उसका चिन्ह होता है क, उपद मानिए। ये भी इसी की तरह है, यदि पद से पहले क्या हो, अर्ध विसर्ग हो, तो वह उपद मानिए, वह पद का उपद मानिए कहलाता है। चलिए दुस्पृष्ट नवा आता है, दुस्पृष्ट वह होता है जो दो वर्णों के, दो वर्ण मतलब दो स्वर वर्णों के मध्य जो के स्थान पर लय आदेश हो जाता है, उस लय को ही दो स्पष्ट कहते हैं। ये भी एक है, जैसे मैं बताऊं ई पट्टी उदाहरण ले लें, इसके स्थान पर देखो यहाँ ई पहला स्वर है और ए बाद का स्वर है, इन दोनों स्वरों के बीच ड आया है, तो ड का आदेश क्या हो जाएगा, ई ले। तो यहाँ ये ले ले है, ये दो स्पष्ट व्यंजन है। इसके बाद आता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर नहीं सॉरी प्लुत नी, ये भी कितना है ए। इस तरह ये पाणिनी की शिक्षा अनुसार संस्कृत वर्णमाला है। अब वर्णमाला समझ में तो आ गया होगा, ये तो चलो अपन बात करते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या सीधी भाषा में हम समझ सकते हैं कि अक्षरम वर्ण इति कथ्यते। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एक परिभाषा संस्कृत में और है, वर्णेति अमर, यह पहली परिभाषा होगी। दूसरी वर्ण यते अभि विभज्यते, वर्णते अविभज्यते व लघु तमो व लघुतमो ध्वनि एन स वर्ण।
क्या होगा, जो ध्वनि वर्ण रहित है, वर्ण जो ध्वनि अविभाजित है, सबसे छोटी है, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण विभाजन, वर्ण विभाजन या वर्ण भेद, वर्ण विधा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण इनको अच कहा गया है, और व्यंजन को हल। ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको हल कहा गया है। तो पहले अपन पढ़ते हैं अच परिभाषा इसकी। स्वयं राजयन्ति, स्वयं राजन्ति इति स्वरा, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर स्वतः स्फुट होते हैं, अतः स्वतः उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के भेद, स्वर के भी भेद होते हैं। वैसे तो स्वर की अधिक, स्वरों की अधिकतम कितने भेद कर सकते हैं अपन, 156 भेद कर सकते हैं, 156 भेद होते हैं। यहाँ अभी अपन भेद पढ़ रहे हैं, प्रमुख प्रमुख उच्चारण मात्रा वाला भेद, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। सूत्र है इसका उकालो अज ऋष्वर दीर्घ क्रुत है, ऋष्वर दीर्घ क्रुत है। अर्थात मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, कौन इस सूत्र के हिसाब से, ऋष्व दीर्घ और क्रुत। ह्रस्व दीर्घ क्रुत। अब जो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, पहला लेते हैं ह्रस्व स्वर। स्वर को पिंगल छंद, प्राचार्य पिंगल के छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र में लघु कहा जाता है। परिभाषा इसकी
क्या है? एक मात्र भवेत्। एक मात्रा वाले को विश्व कहा जाता है, अर्थात विश्व की एक मात्रा होती है। विश्व स्वर कौन कौन सी है? ई, ऊ, री और ली। कितने हैं ये? पांच। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर द्विमात्रो दीर्घ उच्चते। इसका यह परिभाषा द्विमात्रो दीर्घ उच्चते। द्विमात्रा वाले को दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या आठ है। कौन कौन सी? आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इनको समान स्वर भी कह सकते हैं। देखो जब एक के दर से बात करेंगे पहले उसको पढ़ने के लिए। तीसरा है क्रुद्ध स्वर। क्रुद्ध स्वर हिंदी में क्रुद्ध स्वर नहीं होता है, संस्कृत में क्रुद्ध स्वर होता है। क्रुद्ध स्वर की कितनी मात्रा होती है? तीन। तो त्रीन मात्रास्तु क्रुद्धो गेयः। त्री मात्रा तीन मात्रा को प्लुत कहा जाता है, यह प्लुत जानना चाहिए। प्लुत स्वर की तीन मात्रा होती है। कौन कौन से प्लुत स्वर है? ई, ऊ, री। उच्चारण करने में जहाँ तीन मात्रा का समय लगे वह प्लुत स्वर कहते हैं या उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, यहाँ ओम है दीर्घ मात्रा से मतलब दो मात्राओं से भी अधिक समय लगा है, इसलिए ये यहाँ ओ प्लुत स्वर हुआ। तो ये समझ में आया दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? एक मात्रा दीर्घ हुए, द्वि मात्रा दीर्घ उच्चति, त्रि मात्रा स्तु प्लुत देय। इसके बाद समान स्वर।
समान स्वर ये अन्य भेद है, समान स्वर ये समान स्वर है। संधि स्वर ए आई ओ औ, इन्हें संधि स्वर एक नाम और दे सकते हैं, मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर क्योंकि ये दो भिन्न है, दो भिन्न स्वरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको मिश्रित स्वर कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण आधार, उच्चारण आधार के आधार पर स्वरों के भेद। अगला भेद है उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर, यह उच्चारण स्थल स्थान पर लो, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद तीन भेद होते हैं, उद्गार अनुदार स्वर। उद्गार कहते हैं उच्चई, उद्गार की परिभाषा क्या है, उच्चई उच्चई उद्गार है, वे स्वर उद्गार संज्ञा के आधार पर है, वे स्वर इनका उच्चारण उच्चता से या उच्चारण स्थान के उच्च भाग से किया जाता है, ऐसे स्वर उद्गार स्वर कहलाते हैं। अ आ ई ओ कैसे हो सकते हैं। दूसरा आता है अनुदार, नीचे ही नुदा है सूत्र इसका, वे स्वर जिनका उच्चारण उच्चारण स्थल निम्न भाग से या नीचे के भाग से किया जाता है उन्हें अनुदात स्वर कहते हैं, जैसे आ आ ई ऊ। अब इनकी पे ये जैसे लग रहे हैं अभी तो, पर इनकी पहचान क्या है, इनके नीचे अंडर लाइन लगी रहती है, तो ये अनुदार स्वर हुआ, ये उद्गार स्वर हुए। तीसरा आता है अपना सुरित स्वर, सूत्र इसका समा आर सुरित है, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण न तो उच्चता से न ही निम्नता से, अर्थात न तो उच्च भाग से न ही निम्न भाग से किया जाता है, ऐसे स्वर समाहार स्वर कहे जाते हैं।
इसके बाद अनुक्रिय भेद आता है अनुनासिक, ये तो बात समझ में आ गई होगी, उच्चारण स्थान के आधार पर करके भेद उद्दात अनुदात स्वर। इनकी उद्दात संज्ञा होने के कारण इन स्वरों को उद्दात स्वर कहते हैं, इनकी अनुदात संज्ञा होने के कारण इन स्वरों को अनुदात स्वर कहते हैं, इनकी स्वरित संज्ञा होने के कारण इनको स्वरित स्वर कहते हैं। इसमें भी ये मान लो ई बड़ा ई भी लिख लो, यहाँ भी लिखना चाहो तो आई ओ, और क्या होता है इसमें ऊपर अंडरलाइन मिलती है, इसके ऊपर इस तरह की लाइनें खड़ी हो तो ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे, स्वरित स्वर, और जिसके नीचे लाइन हो वह अनुदात स्वर, बराबर जिस लिखते आते हैं वह उद्दात स्वर। अब है अनुनासिक निरनुनासिक के आधार पर स्वरों के भेद। अनुनासिक और निरनुनासिक कैसे भेद होते हैं मैं एक तो बता दूं, अर के भेद 18, अर के भेद 18 कैसे हुए भेद, इससे ऊपर वाले में पढ़ रहे हैं उद्दात अनुदात स्वर, तीन तरह से स्वर पढ़े थे उन्हीं में से ले लेंगे और उसे ग्रस्व दिए तो पूर्ण पड़े थे उन्हीं से अनुनाद नो तो अनुनासिक से बना देंगे और नो ही निरनुनासिक ये अनुनासिक से बना देंगे। पहला जैसे बनाया अपन हिरेश्वर, हिरेश्वर उद्दार अनुनासिक, दूसरा क्या बन जाएगा हिरेश्वर उद्दात निरनुनासिक, निर इसी को अपन एक बोल शब्द बोल सकते हैं अनन्य और ऐसे लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है, इसलिए जब निरनुनासिक कर सकते हो तो उद्दात से बना लिए। अब उद्दात की बात क्या था अनुदात, तो क्या ले लेंगे अपन केवल संख्या चेंज करना अपन को ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, चौथा क्या बन जाएगा ह्रस्व अनुदात निरनु नासिक, पांचवा क्या बनाए अपन अनुदात भी हो गया उद्दात भी हो गया आपका बच रहा है, उद्दात हो गया अनुदात हो गया स्वरित बचा है, क्या ले लेंगे ह्रस्व उद्दात ह्रस्व स्वरित, यहाँ चेंज करना केवल स्वरित अनुनासिक, छठा ह्रस्व स्वरित
मेरे अनु ना से। सातवां ये तो सूर्य से हो गए, अब किससे बनाते हैं अपन छे, दीर्घ से बना दो तो क्या बन जाएगा, दीर्घ सेम इसी तरह बन जाएंगे, दीर्घ उदार अनुनासिक। आठवां दीर्घ उदार निरनुनासिक। नवा दीर्घ उदार उदार तो हो गए, अब क्या ले लेंगे अनुदार, मतलब दो दो लेने अनुदार अनुनासिक। दसवां क्या बनता है देखो, दीर्घ अनुदार अनुनासिक बना दिया, और कौन से बनाना है तुमको, निरानुनासिक। ग्यारहवां क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। बारहवां क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वरित तो तिरछ से होगी, छह दीर्घ से होगी, अब छह किससे बना दें गुरु से, अधिकतम रीके जब वी सावर्ण होने पर, री सवर्ण होने पर रीके तो 18 और रीके 12, तो रीके सावर्ण होने पर 30 भेद हो जाती है, 12 तो रीके और रीके 18। अब देखो री ये तो समझ में आया, बना लोगे, चलो आगे। Vi
हिंदी का सावर्णीय। हिंदी का इसके बाद उसके दी के तो दी के 12 भेद होते हैं। ली नहीं ली के रिश के 6 और पुलुत के 6 दीर्घ होता ही नहीं है ना, इसलिए ऐसे चौधरी को रिश के 6 पुलुत के 6 कुल कितने हो गए 12 अपना 12 किया। दीर्घ नहीं होता है री और ली की सवर्ण संज्ञा होती है, अतः री के नोट कर लो री और ली के सवर्ण सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञा होती है। अतः ऋ की अधिकतम 30 या इसको यूं लिख सकते हो तुम ऋकार सावर्णीय सूत्र है ये। सावर्ण्या सावर्ण्य होती है, तो मैंने बताया था ऊपर पहले नीचे भी ये 24 हो जाती है, 12 तो है ही सही है। देखिए भेद कैसे 24 हो जाते हैं मैं बताऊं। निकार सावर्णियों दीर्घ सब नोट कर लो चौथे निकार सावर्णीय परंतु ऋकार सावर्णीय होने पर ऋ के भेद 30 हो जाते हैं और ऋ सावर्णीय होने पर ऋ के 24 भेद हो जाते हैं। अगला ए आई ओ औ के 12 भेद होते हैं, अर्थात एक के 12 भेद होते हैं। इनके ऋषु के भेद नहीं के भी 6 नहीं होती हैं। इनके दीर्घ और प्लुत भी भेद होते हैं। 6 इस वाले हटा दो, बाकी दीर्घ और वो बने रहेंगे। इसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर माहेश्वर सूत्रों
में बोले स्वर की संख्या 9 है। अब पढ़ते हैं व्यंजन, क्या पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल कहा जाता है क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजते वर्णांत संयोगेन भोजते, देखो चलो मैं लिख ही देता हूँ, प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण उनको व्यंजन कहा जाता है। अब इसलिए इनको फल कहा जाता है। सबसे पहले लेते हैं स्पर्श व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा तो याद है, व्यज्यते वर्णांत संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम्। चलो परिभाषा लिख दूं पहले इसकी, व्यज्यते व्यज्यते वर्णांत संयोगेन, वर्णांत संयोगेन ध्योतति ध्योतति ध्वनि विशेषो, ध्वनि विशेषो येन तत्, येन तत् व्यंजनम्। वर्णों के अत्यधिक संयोग से, या तो सीधी भाषा में समझो, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतः उच्चारित नहीं होते, इनके उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कौन कौन से देखो, क ख ग ख, इसे बोलेंगे का वर्ण, इसका वृत्ति कु, छ छ ज छ ज्ञ, छ वर्ण इसको बोलेंगे चु, इसको बोलेंगे टू, इसको बोलेंगे टेबल, और इधर टू पावरी, इसको बोलेंगे पू। इन सबको क्या बोलेंगे, उदित वर्ण, उदित वर्ण ये संपूर्ण वर्ग का बोध कराते हैं। इन सबको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कार्यो
परिभाषा है ये, इसकी कार्यो माव सान है। कैसे लेकर के कार्यो मतलब कैसे लेकर के म अंत तक, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जीव के किसी न किसी भाव को स्पर्श करते हैं, जब इनका उच्चारण किया जाता है इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला आता है अंतस्थ। अंतस्थ ये इनकी संख्या कितनी है? 25। ये है चार, ये रे ले व, ये रे ले व। अंतस्था सूत्र ये, इसी प्रत्याहार में क्या कह सकते हो? यण, क्या कह सकते हैं? यण प्रत्याहार। फिर आता है उसमें, ये भी चार है, उष्मान है, ये सूत्र है, इसका भी प्रत्याह है स। इसके अतिरिक्त जीवामूली और उपपदमानीय विसर्ग अनुस्वार और अनुनासिक ये वर्ण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीवामूली विसर्ग है वह अर्ध विसर्ग जीवामूली के रहता है। इसी तरह प से पहले यदि अर्ध विसर्ग है तो वह अर्ध विसर्ग जीव उपपदमानी के लाएगा। अनुस्वार क्या लगाते हैं इसको? चिन्ह विसर्ग है इसका और अनुनासिक चंद्रबिंदु अयोग भाव में क्या क्या आ जाता है? जीवामूलीय उपपदमानीय अनुस्वार विसर्ग इन सबको अयोग वाह कहा जाता है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर से जरूर दबाएं। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद।